लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक दुल्हन शादी के दो दिन बाद बारात के साथ ससुराल जाते समय लापता हो गई। उसकी शादी 23 नवंबर को मुंबई के सिंगरौली में हुई थी। बारात 25 नवंबर को ट्रेन से मुंबई लौट रही थी, इसी दौरान यह घटना हो गई। सिंगरौली की प्रीति शर्मा की शादी मुंबई के छत्रपति शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद 24 तारीख को बारात सिंगरौली से जबलपुर आई। वहां से पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस से मुंबई कल्याण जंक्शन की ओर रवाना हुई थी। इसी ट्रेन के एसी कोच में बारात के साथ दुल्हन यात्रा कर रही थी। किसी तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को सुबह मप्र के खंडवा में रोकना पड़ा। ट्रेन रुकने पर बारातियों को पता चला कि दुल्हन अपनी बर्थ पर नहीं है। इससे खंडवा रेलवे स्टेशन पर हंगामा मच गया। दूल्हा और बाराती दुल्हन को खोजने लगे। बारातियों ने पूरी ट्रेन छान मारी, लेकिन दुल्हन का पता नहीं चला। तब एक सहयात्री ने बताया कि उसने इटारसी स्टेशन पर दुल्हन को ट्रेन से उतरते हुए देखा था। वहीं एक महिला बाराती ने बताया कि उसने इटारसी में दुल्हन को टॉयलेट जाते हुए देखा था। इसके बाद वह नजर नहीं आई। इस पर दूल्हा और कुछ बाराती खंडवा से इटारसी पहुंचे और वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अभी भी प्रीति की कोई खबर नहीं है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रीति के पिता जयराम शर्मा ने बताया कि रात को बेटी का फोन आया था, उससे बात हुई थी, लेकिन शनिवार सुबह उसके बारे में पता चला तो हम लोग परेशान हो गए। हम भी बेटी को ढूंढ रहे हैं। दूल्हा छत्रपति शर्मा मुंबई में शिक्षक हैं, जबकि प्रीति सिंगरौली में बीकॉम फाइनल की स्टूडेंट हैं।